नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करते हैं टेलीस्कोप का। तो ये प्रोटॉस इंडिया का टेलीस्कोप है, 525X वाला है। तो इसका यदि प्राइस का बात किया जाए तो इसका प्राइस आपको 7,500 पड़ता है। इसको हम फ्लिपकार्ट से बाय किए हुए थे 7,500 में। तो चलिए जो है इसको अभी हम अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से प्रोडक्ट आपको ये मिलता है, तो और इसका कैसा ये जो है इसका क्वालिटी कैसा आता है। तो ये हम जो है एक रिव्यू वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उससे भी आप पूरा डिटेल्स इसका देख सकते हैं। तो चलिए अभी जो है इसको हम अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से फ्लिपकार्ट आपको भेजती है ये प्रोटॉस इंडिया का टेलीस्कोप, ये आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार का जो है सेल बॉक्स में आपको फ्लिपकार्ट भेजती है। तो यहाँ आपका बिल यहाँ पर स्टिक किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल आपको मिल जाता है। और ये जो है ये पूरा बड़ा पैकेट है, देख सकते हैं। तो इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। इसमें कट लगा के आप इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से टैप मारा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप इसको कट लगा के इजी से आप इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इसके जो है ये आपका पूरा टैप मारा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको कट लगा के आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ये पूरा पैक में है, देख सकते हैं इस प्रकार का। तो देख सकते हैं टेलीस्कोप का इस प्रकार से ये आपको पैकेट में मिलता है, देख सकते हैं। ये जो है इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं F700076, देख सकते हैं ये इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए जो है इसको आपको पूरा अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर टैप मारा हुआ है, तो इसमें भी जो है आपको कट लगा देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपका जो है ये अनबॉक्स हो जाएगा इस प्रकार से। आपको यहाँ पर इसको निकाल देना है इस प्रकार से, देख सकते हैं ये आपका अनबॉक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसके साथ में, देखिए एक जो है एक ये आपको प्रोडक्ट के साथ में ये आपको पार्ट पार्ट में मिलता है। तो देख सकते हैं ये सारा जो प्रोडक्ट के साथ में जो आता है सारे का भी हम आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। देख सकते हैं इसके साथ में ये सारा आपको पार्ट वाइज आपको ये मिल जाता है, देख सकते हैं। तो चलिए सारे को आपको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये यूज़र मैनुअल आपको मिल जाता है, देख सकते हैं इसके साथ में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। चलिए अब जो है प्रोडक्ट को आपको दिखाते हैं, इसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है वो सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं एक जो है ये मेन जो आपका लेंस है, यहाँ पर आपको ये बड़ा पैकेट में आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार का जो है ये देखिए ये जो मेन लेंस है आपका ये आपका मेन लेंस हो गया, देख सकते हैं। तो अभी जो है इसको हम इधर रख देते हैं। देखिए ये जो है ये आपको ये मिल जाता है, देख सकते हैं ये। अब जो है इसमें आपको दिखाते हैं इसमें आप क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है इसका सेटअप के लिए है, देख सकते हैं ये सारा है। और जो है अगर आपको और लेंस मिल जाता है यहाँ पर अलग से, देख सकते हैं ये। उसके बाद जो है कुछ स्क्रू है, देख सकते हैं इसको जो है फिक्स करने के लिए स्क्रू है। इस सब को कैसे सेट करना है वो भी आपको अभी हम बताएंगे। और यहाँ पर लेंस सब है, देख सकते हैं यहाँ पर और लेंस आपको मिल जाता है। तो ये सारा लेंस है, देख सकते हैं इसके साथ में। यहाँ पर देखिए और है जो 1.5X का आपको मिल जाता है, देख सकते हैं ये सारा लेंस जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है, 2X का मिल जाता है। इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं। उसके बाद जो है ये आपका स्टैंड का है, देख सकते हैं ये स्टैंड का है। तो इसको निकाल लेते हैं, ये भी स्टैंड को कसने के लिए, देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोडक्ट आपको इसके साथ में मिलता है। अब जो है इसमें आपको दिखाते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इसमें भी जो है आपको जो है स्टैंड का जो है आपको ये पार्ट्स आपको मिलता है इसको फिक्स करने के लिए। तभी बताएंगे इसको कैसे आपको लगाना है वो भी आपको बताएंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ये सारा प्रोडक्ट मिलता है। अब जो है इसमें आपका स्टैंड है, तो स्टैंड को भी आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टैंड को इस प्रकार से यहाँ पर पैक किया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसमें जो है आप कट लगा के इसको भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं ये स्टैंड का है। देखिए ये स्टैंड का आपको पार्ट से ये मिल जाता है, देख सकते हैं ये जो है ये स्टैंड का है आपका।
तीन लेग है यहाँ पर देख सकते हैं, तीन लेग मिल जाता है, तो इसी से आपका स्टैंड असेंबल हो जाएगा। लेंस आपका ये है देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ये मिलता है देख सकते हैं ये। तो चलिए सबसे पहले जो है आपको स्टैंड को असेंबल करने के लिए बताते हैं कैसे आपको स्टैंड को असेंबल करना है। तो सारे प्रोडक्ट को इस प्रकार से जो पार्ट्स है प्रोडक्ट का इसको आपको निकाल लेना है देख सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका इसमें फिक्स होगा तभी बताएंगे कैसे आपको फिक्स करना है। उसके बाद ये लेंस सब है तो लेंस को भी आपको अलग रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारा नट बोल्ट है तो इसको सबसे पहले आपको निकाल लेना है नट बोल्ट को देख सकते हैं। ये जो है इसके साथ में आपको ये असेंबल करने के लिए नट बोल्ट मिल जाता है। उसके बाद देखिए एक जो है ये ट्राईपॉड है, छोटा स्टैंड है देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है। तो अभी सारे को बताएंगे कैसे आपको इसको फिक्स करना है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे अभी। तो चलिए सबसे पहले जो स्टैंड है इसको असेंबल कर लेते हैं। स्टैंड को जो है इस प्रकार से आपको तीनों स्टैंड जो है, तीनों लेग जो है इसको आपको निकाल लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए ये जो आपको इंस्ट्रक्शन बुक जो मिलता है इसको आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स का यहाँ पर देखिए आपको नंबर दिया हुआ है देख सकते हैं, ए बी सी करके आपको यहाँ पर तो दिया हुआ है पार्ट्स का नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट्स जो है ये आपका ए है देख सकते हैं, इस प्रकार का जो ये पार्ट्स है ये ए हो गया। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट्स आपका बी है। उसके बाद देखिए ये छोटा दो लेंस जो आपको अलग से मिलता है ये आपका सी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये आपका ये सी हो गया, और जो है ये वाला पार्ट्स जो है ये आपका डी हो गया देख सकते हैं, ये लंबा वाला जो लेंस है ये आपका डी हो गया। उसके बाद जो है ई का बात करते हैं तो ई का देखिए तीन पार्ट है देख सकते हैं, तो ये तीन, ये तीनों आपका ई का पार्ट हो गया देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है जी है, तो जी आपका जो है जी वाला ये पार्ट आपका जी हो गया देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है ये आपका एच हो गया। तो ये सारा पार्ट को आपको अलग अलग कर लेना है। उसके बाद जो है स्क्रू है, जे में जो है स्क्रू है। उसके बाद जो है के में आपका ये वाला है देख सकते हैं, तो इसको भी आपको निकाल लेना है इस प्रकार से, इसको भी आपको निकाल लेना है देख सकते हैं। ये जो ये वाला पार्ट जो है ये आपका के है देख सकते हैं, तो ये पार्ट के है। उसके बाद देखिए एल जो है, एल आपका ये है मेन जो लेंस है आपका ये एल है। उसके बाद एम में है आपका ये तीन स्टैंड है देख सकते हैं, ये स्टैंड है आपका, तो इसी को सबसे पहले आपको यूज करना है। उसके बाद चलिए कैसे असेंबल करना है ये आपको बता देते हैं। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्रू आपको कसना है देख सकते हैं, ये जो है स्टैंड जो है इसमें आपको स्क्रू यहाँ पर कस देना है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो स्क्रू है आपका ये जो है ये वाला जो स्क्रू है आपको ये वाला स्क्रू आपको इसमें लगा देना है देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको सबसे पहले तीनों स्टैंड जो है इसमें आपको ये वाला लगा देना है देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो है आपका ये अप डाउन वाला है, इसको जो है ये आपका फिक्स कर देगा जहाँ पर आपको फिक्स करना है, ये आपका ये फिक्स कर देगा। तो ये जो है आपका ये निकलेगा नहीं देख सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी को आपको असेंबल कर लेना है, ये तीनों नट को आपको इस प्रकार से असेंबल कर लेना है, इस तीनों नट को आपको लगा देना है इस प्रकार से देख सकते हैं। ज़्यादा टाइट भी आपको नहीं करना है क्योंकि ये जो है एल्युमिनियम का बॉडी है तो ये जो है आपका ये दब सकता है, इसीलिए आपको ज़्यादा इसमें जोर भी नहीं लगाना है देख सकते हैं। स्मूथली आपको इसको फिक्स कर देना है देख सकते हैं इस प्रकार से। तो देख सकते हैं पहला काम आपको यही करना है, सबसे पहला काम ये। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए जो है फिगर वन में आपका ये हो गया। उसके बाद जो है कनेक्ट ऑल द थ्री ट्राईपॉड लेग्स, तो अब जो है ट्राईपॉड का जो लेग्स है इसको आपको कनेक्ट करना है तीनों को। तो यहाँ पर जो है ये इसके साथ में इसको आपको कनेक्ट कर देना है देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये आपको इसको कनेक्ट करना है देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको आपको कनेक्ट करना है देख सकते हैं ये। तो ये जो है ये आपका देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है अब जो है इसमें जो है आपको इसमें जो है अब आपको ये वाला स्क्रू यूज करना है देख सकते हैं। इस टाइप का जो है आपको मिलता है तो इसको आपको इसमें लगाना है देख सकते हैं। तो इसको आपको खोल लेना है, ये तीनों को आपको इसी प्रकार से इसको खोल लेना है देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको खोल के आपको इसमें लगा देना है, इस प्रकार से आपको खोलना है और इसको यहाँ पर आपको लगा देना है। तो इसी प्रकार से
तीनों लेग को आपको इसमें लगा देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो है ये आपका लग जाएगा, देखिए इस प्रकार से। देख सकते हैं इसी प्रकार से तीनों लेग को यहाँ सबसे पहले आपको लगा देना है इसको। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये तीनों लेग को आपको यहाँ पर फिक्स कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है आपका ये सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट्स जो है इसको आपको यहाँ पर फिक्स करना है। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर नट इसमें दिया हुआ है, तो नट को आपको खोल लेना है। ये नट इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो छोटा वाला ट्राईपॉड जो है इसको आपको इस प्रकार से इसको आपको निकाल लेना है। देख सकते हैं इस प्रकार से इसका नट जो है इसको आपको निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है। देखिए इस प्रकार से जो है ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन नट है, तो तीनों नट को आपको इस प्रकार से खोल लेना है। देखिए यहाँ पर जो है ये तीनों नट को आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। इसके साथ में ही आपको मिल जाता है नट, देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये निकल जाएगा। अब जो है इसको जो है ये पार्ट को आपको अप रखना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से यहाँ पर आपको लगा देना है। इस प्रकार से अब दूसरा लेग में भी इसी प्रकार से इसको आपको लगा देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से सेट कर लेना है, देख सकते हैं इसी प्रकार से। इसको भी आपको एडजस्ट करके यहाँ पर तीनों में आपको एडजस्ट करके यहाँ पर आपको लगा देना है, नट को फिक्स कर देना है। बाद का स्टेप आपका इसको यहाँ पर लगाना है, देख सकते हैं। ये जो ये पार्ट जो है आपका ये पार्ट है जो है ये बी पार्ट है, देख सकते हैं। तो बी को यहाँ पर आपको लगा देना है, देख सकते हैं बीच में यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसको लगा देना है, देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको फिक्स कर देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ये आपका ये फिक्स हो जाएगा, देख सकते हैं इसी प्रकार से। ये स्टैंड जो है आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ये वाला जो पार्ट्स है ये पार्ट्स को आपको यहाँ पर लगा देना है, देख सकते हैं। ये वाला पार्ट्स जो है आपको मेन लेंस जो है इसमें आपको यहाँ पर लगा देना है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये आपको लगाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका, देख सकते हैं। तो इसको जो है यहाँ पर आपको इस प्रकार से एडजस्ट करके यहाँ पर आपको इसको लगा देना है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके मदद से इसको आपको टाइट कर देना है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको इसका मदद से इसको आप टाइट कर सकते हैं, टाइट कर देना है यहाँ पर। तो ये जो है ये आपका ये इस प्रकार से ये लग जाएगा, देख सकते हैं। तो इसको आपको इस प्रकार से फिक्स कर लेना है, देख सकते हैं। अब जो है अब आपका ये जो बचता है इसको आपको यहाँ पर लगाना है, देख सकते हैं। ये दो स्क्रूप जो है अब जो है आपका ये मैन स्टैंड में ये आ जाएगा, देख सकते हैं। अब इसको आपको यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो इसको हम हटा लेते हैं। तो अब इसको आपको इसमें लगा देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। इसको आपको अप रखना है, देख सकते हैं। ये वाला जो है अप रखना है। इसको जो है यहाँ पर आपको ये साइड में आपको कर लेना है, देख सकते हैं। इसको जो है यहाँ पर देखिए ये साइड में आपको ये हॉल है यहाँ पर। तो हॉल में इसको आपको ये हॉल में इसको यहाँ पर इस प्रकार से इसको थोड़ा हल्का लूज करके यहाँ पर आपको इसको फंसा देना है, देख सकते हैं। तो ये जो है आ जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट है आपको इसमें इसको फंसा देना है इस प्रकार से। देखिए ये जो है ये यहाँ पर आपका ये फिक्स हो जाएगा, देख सकते हैं। ये जो है ये आपका लग जाएगा, देख सकते हैं। अब जो आपको बड़ा वाला जो स्क्रू मिलता है इसको आपको यहाँ पर लगा देना है, देख सकते हैं। ये जो स्क्रू है बड़ा वाला इसको आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये आपका जो है ये फिक्स हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से ये आपका ये फिक्स हो जाएगा। तो इसको दोनों तरफ आपको लगा देना है, देख सकते हैं। और ये जो है इसको भी आपको फिर टाइट कर देना है ताकि जो है आपका ये हिलेगा नहीं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ये आपका फिक्स हो जाएगा। अब जो है ये वाला जो लेंस है इसको आपको यहाँ पर लगा देना है इस प्रकार से। इसको यहाँ पर आपको ये लगा देना है, देख सकते हैं। तो ये जो है आपका ये लग जाएगा, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसको आप असेंबल कर सकते हैं, यही प्रोसेस है। इसी प्रकार से आपका ये असेंबल हो जाएगा, देख सकते हैं। ये
ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। यही था इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो और असेंबलिंग का वीडियो था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।